बताते हुए आज के दिन में टीचर डे जो मनाया जा रहा है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए और इस कॉलेज के बारे में पूरे भारत देश में फेमस है वो जानकारी चाहिए थी। तो नाम बताते हुए मैं प्रोफेसर राजन यादव, अधिष्ठाता दृश्य कला संकाय, शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए यह हर्ष का विषय है कि एशिया का यह प्रथम विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय के जो संबद्ध महाविद्यालय है एफिलेटेड कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में हैं। छत्तीसगढ़ का यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिनके संबद्ध कॉलेज छत्तीसगढ़ से बाहर, एक हमारा केरल में है, कलकत्ता में है, बनारस में है, इस प्रकार कई प्रांतों में फैला हुआ है। उसी प्रकार कई प्रांत के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, विदेश के भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, अमेरिका के विद्यार्थी यहाँ हैं, नेपाल के विद्यार्थी, बांग्लादेश के विद्यार्थी हैं, श्रीलंका के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं और पंच ललित कलाओं की शिक्षा एक ही परिसर में प्राप्त करते हैं। काव्य कला, स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला और मूर्ति कला, ये पांचों ललित कलाओं की शिक्षा एक ही परिसर में दी जाती है। हिंदुस्तान में दूसरा कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो पांचों कलाओं की शिक्षा एक ही परिसर में दी जाती हो। तो हमारे जो दृश्य कला संकाय के विद्यार्थी है जिसमें पांच विभाग आता है, ये विद्यार्थी सुबह सुबह चले जाते हैं खेत खलिहान गाँव वहाँ लैंडस्केपिंग करने और इनका विषय होता है, इनका विषय आध्यात्मिक होता है, शकुंतला और दुष्यंत से लेकर के फिल्मी दुनिया से लेकर के जो भी मॉडर्न आर्ट, चाहे वो यूरोपियन आर्ट, जितने भी कलाकृतियां हैं, नए नए परिवर्तन क्या हो रहे हैं, तो विद्यार्थी इंस्टॉलेशन के माध्यम से ये सीखते हैं। ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। पाश्चात्य का क्या, भारतीय का क्या, गंधार शैली क्या, कांगड़ा शैली के क्या और राजस्थानी शैली की क्या चित्रकारी हो, मुगल शैली के क्या है, ये सब विद्यार्थियों के कोर्स के विषय है। और आज तीन स्तरीय हमारा यहाँ कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। पहला, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो रहे राधा कृष्णन, जो कभी शिक्षक हुआ करते थे और बहुत बड़े दार्शनिक हुए, शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है, उन्हीं के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम शिक्षा जगत के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके पावन कार्यों को याद करते हैं और हमारे यहाँ इंडक्शन कार्यक्रम भी आज ही सम्पन्न हो रहा है, मतलब दीक्षा आरंभ कार्यक्रम। एक बार यूनिवर्सिटी लेवल पे हो चुका, फिर कला संकाय यानी फैकल्टी लेवल पे जो कार्यक्रम होता है इंडक्शन प्रोग्राम, दीक्षा आरंभ कार्यक्रम कहते हैं। बाहर बाहर के विद्यार्थी आते हैं, उनको जानकारी खैरागढ़ आसपास नगर की नहीं होती है, ये जानकारी उनको दी जाती है, लाइब्रेरी कार्ड कैसे बनवाएं और बाकी और जो यूनिवर्सिटी की गतिविधियों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। तो दूसरे नंबर पर हमारा इंडक्शन कार्यक्रम हुआ और तीसरे नंबर में फिर वेलकम कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमारे जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो परंपरा को बनाए रखे हैं कि बीएफए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी और एमएफए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो नए आए हैं उनके स्वागत में यह कार्यक्रम रखा जा रहा है। और मनोरंजन के साथ साथ हम शिक्षा प्रद भी कार्यक्रम रखते हैं कि इंस्टॉलेशन के माध्यम से हम अलग अलग रूपों में कैसे व्यक्त करते हैं कला को। कला अखंड है पर उनके कई रूप होते हैं, इन्हीं का हम जो भी कार्यक्रम करते हैं छोटे बड़े उसका प्रकटीकरण इस कला के माध्यम से करते हैं। जैसे हम सृजनात्मक हिंदी लेखन में फिल्मी पटकथा लेखन के बारे में भी बताते हैं, हाँ, आज का वेशभूषा के बारे में अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम ये 27-28-29 प्रांत है हिंदुस्तान में, कम से कम यहाँ 20-22 प्रांत के विद्यार्थी पढ़ते हैं, भले उनकी संख्या 2-4 हो, तो उन विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है कि अपने प्रदेश के ट्रेडिशनल पोशाक में आए। तो आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थी अरबी में नज़र आ रहे हैं, अरबी के पोशाक पहने हैं, कुछ पंजाबी के पोशाक पहने हैं, कुछ छत्तीसगढ़ी के पोशाक पहने हैं, कोई बनारस और उड़िया का पोशाक पहने हुए हैं, तो कोई बॉलीवुड स्टाइल में है। कहने का मतलब यह होता है कि भारत जो है विविधताओं का देश, वो कल्चर का प्रकटीकरण कैसा हो। जैसे मैं देखे आज भारतीय परिधान में हूँ, उत्तरी और धोती कुर्ता में हूँ, तो इसके पीछे कारण वही है, हम उन सभी परंपराओं को जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारत की संस्कृति में हाजमा शक्ति है, हमने कभी दूसरे संस्कृति को अवॉइड नहीं किया, इसीलिए आज भारतीय संस्कृति जीवित है। बाकी मेसोपोटामिया की संस्कृति और बाकी संस्कृतियाँ, रोम की संस्कृति नष्ट हो गई, पर हमारी संस्कृति इसलिए जीवित है, हम दूसरे के संस्कृति को उदारतापूर्वक स्वीकार करते हैं, लचीलापन है भारतीय संस्कृति में। और चूंकि सांस्कृतिक दूत होते हैं कलाकार, विवेकानंद जी ने कहा कि कलाकार ईश्वर के सांस्कृतिक दूत होते हैं, उन्हीं का यहाँ प्रकटीकरण है। एक आपको अमेरिका के एक विद्यार्थी को बतवाऊंगा, वो 78 वर्ष के हैं, बूढ़े हैं, फिर भी वो पढ़ने आए हैं, ये जीज विषय उनको लेके आ गया है, दाढ़ी रखे हुए हैं, ऐसा लगता है वो भारत का सन्यासी हो। जी मैम, आप
बाहर से हैं और यहाँ खैरागढ़ के में पढ़ने के लिए आए हैं, तो ऐसे क्या है यहाँ की जानकारी जो आपको मिली है जो आप यहाँ इतना दूर पढ़ने के लिए आए हुए हैं? या आई हैव हर्ड दिस ऑन लाइक ऑन इंटरनेट एंड आई बोलने की कोशिश करना हिंदी भी बनता है I saw that in the internet because like it was very before like it's a very old school for visual art and the fine arts. That is why I chose this university, and I very much wanted to like the whole culture, and Bengal is kind of like similar from our country also. So that is why I chose this place to study, to know more about the like. कल्चर लाइक कोर कल्चर ऑफ इंडियन कल्चर. यस, इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? कॉलेज इंटरनेट. आई टू इन द बिफोर दैट आई फाउंड दिस यूनिवर्सिटी इन द इंटरनेट एंड आई वाज इंटरेस्टेड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी एज इट्स अ वेरी ओल्ड वन. दैट इज व्हाई आई चोज दिस यूनिवर्सिटी एंड पीपल आर वेरी हेल्पफुल हियर. कौन सी ईयर में मैडम अभी? आई एम इन मास्टर्स सेकंड ईयर लाइक फाइनल ईयर इन मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स. थैंक यू.